कराची के निजी होटल में तहकीकी इदारे इंडिविजुअल लैंड के जेर एहतमाम बलोचिस्तान और सिंध की खवातीन सहाफियों के लिए डिजिटल मीडिया बिजनेस के उनवान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में अमरीकी कौंसल खाने के चीफ डिप्लोमेसी ऑफिसर माइकल जिडविक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, खवातीन को बाख्तियार बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। देखते हैं कराची से जुनेद खान की ये रिपोर्ट। कराची में सिंध और बलोचिस्तान की खवातीन सहाफियों ने कम मुआवजे में माहौल दोस्त अशिया बनाकर सबको हैरान कर दिया। तकरीब में अमरीकी कौंसल खाने के चीफ डिप्लोमेसी ऑफिसर माइकल चैडविक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम खवातीन की हौसला अफजाई के लिए मौजूद हैं। खवातीन को बाइख्तियार बनाना वक्त की अहम जरूरत है। We think that this is very important, both press freedom and women's empowerment. But what you can really benefit from today is to talk to the women who are here, hear their stories, learn about their programs. I encourage all of you to interview each of these women and find out more about the great things that they are doing. तकरीब की शुरका खवातीन सहाफियों ने पाकिस्तान में सहाफत के मुजमिरात के हवाले से बातचीत की। यहाँ जितनी सेफ्टी आपको महसूस होती है कहीं और नहीं होती। आप देखें दुनिया में कितने ममालिक, नेपाल को उठा लें, वहाँ पर भी खवातीन के ऊपर तशद्दुद होता है। हमारे यहाँ खवातीन पर ऐसा तशद्दुद नहीं हुआ है। कुछ कंजर्वेटिव लोग जो आगे जाने के लिए फीमेल्स को रोकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सपोर्ट भी करते हैं। हम एक डिजिटल मीडिया बिजनेस प्लेटफॉर्म डिवेलप करने में भी हमारी मदद की, तो थैंक्स टू यू एस। खवातीन सहाफियों ने अपने प्रोजेक्ट्स पर प्रेजेंटेशंस भी पेश की। तकरीब में जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए मीडिया की आजादी की अहमियत पर भी रोशनी डाली गई। कैमरामैन खालिद जावेद के साथ जुनेद खान, पब्लिक न्यूज़, कराची।